संभल में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला सदर कोतवाली इलाके के कोट पूर्वी का है, जहां व्यापारी मनीष अपने गोदाम पर बैठे थे। तभी बाइक सवार 4 बदमाश ग्राहक बनकर आए और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। यही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी और कर्मचारियों को गोदाम में बंद भी कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। एक रात की मस्जिद है और उसके ठीक पास में गोदाम है मनीष जी का, परचून की दुकान है इनकी। तो इनकी जानकारी ली कि 4 आदमी जो सशस्त्र थे ग्राहक बनकर के आपकी दुकान में आए और बाद में इनको आतंकित करके इनसे 3-4 मोबाइल और कुछ गले में से नकदी ले गए हैं। तहरीर प्राप्त हो रही, एग्जैक्टली जो नकदी और सामान बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, उद्योग पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया है और पुलिस जल्द ही मामले में खुलासे का आश्वासन भी दे रही है। लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।